दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों आपको वैसे तो पता ही है कि एक हर बार हमारा चैनल हर बार आपके लिए एक जो लेटेस्ट अपडेट बोर्ड रिजल्ट 2021 से संबंधित होता है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। जो स्टूडेंट और अभिभावक CBSE और अन्य बोर्डों की जो एवरेज मार्किंग स्कीम थी उनके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की थी उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा है कि कॉलेजों में एडमिशन तभी होंगे जब 10th और 12th का रिजल्ट जारी होगा। 12th क्लास के रिजल्ट जारी होने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन होंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस अपडेट में क्या है, इस न्यूज में ऐसा क्या है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि CBSE बोर्ड रिजल्ट 2021 ये न्यूज 18 नेटवर्क से ली गई न्यूज है। दोस्तों ये फेक न्यूज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। CBSE बोर्ड 2021 रिजल्ट CBSE मार्किंग स्कीम के खिलाफ सभी दर्ज याचिकाएं रद्द। जो भी स्टूडेंट्स असंतुष्ट थे जो एवरेज मार्किंग स्कीम CBSE और अन्य राज्यों के बोर्डों से जो ली गई थी उससे जो असंतुष्ट थे उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को रद्द किया है और ये कहा है कि कॉलेज में जो एडमिशन वो 12th क्लास के रिजल्ट के बाद ही जारी होंगे और जो फिजिकल एग्जाम्स हैं वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होंगे। रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। इसके लिए और जो एडमिशन की जो प्रोसेस है उसके लिए UGC अभी गाइडलाइन जारी करेगी कि कॉलेज एडमिशन 12th क्लास के रिजल्ट के बाद कैसे होंगे और जो एवरेज मार्किंग स्कीम है उसके अनुसार कैसे कॉलेज में एडमिशन होंगे, ये UGC अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। उस गाइडलाइन के अनुसार एडमिशन होंगे। जब भी कोई नई अपडेट बोर्ड रिजल्ट 2021 के बारे में मिलेगी तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद जय भारत।